हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं इस वीडियो में मैथमेटिक्स का चैप्टर है अलजेब्रा, उसका टॉपिक है कॉम्बिनेशन, उसको मैं लेकर के आया हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रमोटेशन के बारे में बता दिया था और उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था। आज मैं इस वीडियो में कॉम्बिनेशन के बारे में बताता हूँ, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं बताऊंगा। तो पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। अ कॉम्बिनेशन इज अ मैथमेटिकल टेक्निक दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इन अ कलेक्शन ऑफ आइटम वेयर द ऑर्डर ऑफ द सिलेक्शन डज नॉट मैटर। बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसे हम लोग निकालते हैं कि किसी भी आइटम को कितने बार हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है उसको अरेंजमेंट करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालते हैं कॉम्बिनेशन में। इन कॉम्बिनेशन यू कैन सेलेक्ट द आइटम्स इन एनी ऑर्डर। कॉम्बिनेशन में एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर हम लोग आइटम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपन में r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है इसका, जहां पर NCR इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, n इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सेट, किसी सेट में उसमें टोटल कितना ऑब्जेक्ट है उसको n से डिनोट करेंगे, और r इज इक्वल टू नंबर ऑफ चूजिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेट, और उस सेट से कौन सा नंबर चूज कर रहे हैं उसे हम लोग आर से डिनोट करेंगे। एक और फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू NCN-R। ये एक ऑप्शनल फॉर्मूला होता है, मैं इस पे भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन मेन फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। तो चलिए देखते हैं कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 CR। यहां पर सी है यानी कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो निकालते हैं इसका कैसे निकलेगा सॉल्यूशन। 10C3 दिया है, यहां पर n इज इक्वल टू 10 दिया है और r इज इक्वल टू 3 दिया है। इस कॉम्बिनेशन को हमें सॉल्व करना है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि NCR इस फॉर्म में होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपन में r फैक्टोरियल अपन में n माइनस r फैक्टोरियल। और कॉम्बिनेशन का फैक्टोरियल सॉल्व करने का मेथड अलग होता है, प्रमोटेशन का फैक्टोरियल सॉल्व करने का मेथड अलग होता है। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। NCR, NCR की जगह यहां पर 10C3 है, यानी कि 10C3 का सॉल्व कर रहे हैं, तो n फैक्टोरियल, n कितना है 10 है, तो 10 फैक्टोरियल अपन में r फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल अपन में 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। प्रमोटेशन में क्या करते थे कि यहां पर r फैक्टोरियल नहीं रहता था, सिर्फ n फैक्टोरियल अपन में n माइनस r फैक्टोरियल रहता था। प्रमोटेशन में नीचे वाले को माइनस कर देते थे, तो यहां पर अगर 7 फैक्टोरियल आता तो फिर ऊपर वाले को ब्रेक कर लेते फैक्टोरियल में, एक एक कम करके 10, 9, 8, 7 और 7 के बाद एक फैक्टोरियल लगाकर कट करके इसको परमोटेशन में निकाल लेते थे। बट कॉम्बिनेशन का अलग मेथड होता है फैक्टोरियल सॉल्व करने का। यहां पर इसको क्या करते हैं कि ये 10 फैक्टोरियल है, इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। 10 फैक्टोरियल अपन में यहां पर नीचे 3 फैक्टोरियल और इसको माइनस करेंगे तो 10 माइनस 3 यानी कि 7 फैक्टोरियल होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या काम करेंगे कि नीचे जो डिनोमिनेटर है इन दोनों फैक्टोरियल में से एक फैक्टोरियल को हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे जो छोटा है पहले उसको सॉल्व करेंगे और बड़े वाले को छोड़ देंगे, और ऊपर वाले को जो छोड़े रहेंगे उतने उतना आने तक फैक्टोरियल करेंगे, यानी कि 10 को 7 तक फैक्टोरियल करेंगे। तो एक एक माइनस करेंगे 10 से, पहले 10 ले लेंगे इंटू 9, फिर एक कम करेंगे तो 8, फिर इंटू 7, इसके आगे फैक्टोरियल लगा लेंगे और इस 3 के फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक सॉल्व करते हैं, फिर इंटू 7 फैक्टोरियल, ये वाला ऐसा ही लिख लेंगे। और फिर इसको क्या करेंगे, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कटा देंगे, ऊपर हो जाएगा 10 इंटू 8 और नीचे हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे 10C3 इज इक्वल टू, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 720, और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये हो जाएगा 3 दूना 6, एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा यानी कि 6, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 120, यानी कि 10C3 का वैल्यू आ गया 120, ये हो गया आंसर। ये हो गया इसके फॉर्मूले से सॉल्व किया। मैंने आपको एक और ऑप्शनल एक और फॉर्मूला बताया था, उस पर भी इसी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। वो फॉर्मूला होता है कि NCR अगर इस फॉर्म में हो तो उसको ब्रेक कर लेते हैं NCN-R के फॉर्म में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या काम करते हैं कि इस फॉर्म को जो ये जो NCR है इसमें क्या है, 10C3 है, तो इस 10C3 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10C और यहाँ पर 10-3 हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10C और ये हो जाएगा 10-3, ये हो जाएगा 7, इस फॉर्म में आ जाएगा। ये परमुटेशन के फॉर्म में इसको फैक्टोरियल करेंगे, जैसे परमुटेशन का फॉर्मूला लगता था n फैक्टोरियल अपन में n माइनस r फैक्टोरियल, तो यहाँ पर n है 10
ये और फिर n माइनस आर यानी कि 10 माइनस 7 फैक्टोरियल ऐसे करेंगे इस पे. इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपन में 3 फैक्टोरियल. अब इसको क्या काम करते हैं, ऊपर वाले को फैक्टोरियल में ब्रेक करेंगे और नीचे वाले को फैक्टोरियल में ब्रेक करेंगे. बस इतना ध्यान रखेंगे कि जितने डिजिट नीचे है, यहाँ पर 3 डिजिट है, तो इसको 3 डिजिट में फैक्टोरियल करेंगे और इसको भी सेम 3 डिजिट में फैक्टोरियल करेंगे. ये 1 तक 3 डिजिट में आएगा, यानी कि ऊपर वाले को 3 डिजिट में करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 और अपन में 3 इंटू 2 इंटू 1. इस ये 3 डिजिट है तो ऊपर वाले भी 3 डिजिट में फैक्टोरियल करेंगे और सेम वैसे ही ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे. तो ये आ जाएगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6. इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 120. ये हो गया आंसर. ये एक ऑप्शनल मेथड है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो मेन फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपन में आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. एक और क्वेश्चन देखते हैं. बोला कि हाउ मेनी वे कैन अ टीम ऑफ 11 प्लेयर कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 16 प्लेयर. पूछ रहा है कि 16 प्लेयर्स में से कितने रास्ते हैं उनमें से 11 प्लेयर को चूज करने के लिए, वो हमें निकालना है. तो निकालते हैं, ये कॉम्बिनेशन से निकालेंगे सॉल्यूशन. यानी कि इसमें हमें n इज इक्वल टू टोटल नंबर कितना दिया है 16 प्लेयर और चूज कितना करना है r इज इक्वल टू करना है 11 प्लेयर को. तो इसका कॉम्बिनेशन निकालते हैं ताकि कितने वे है हमें चूज करने के लिए वो निकल जाएगा. यानी कि इसका हमें निकालना है एन सी आर इज इक्वल टू क्या होगा. तो एन सी आर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यहां पर हो जाएगा 16 सी और आर की जगह है 11 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपन में आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. इस पे रख लेंगे तो ये हो जाएगा एन एन इज इक्वल टू कितना है 16, तो 16 का फैक्टोरियल हो जाएगा अपन में आर आर इज इक्वल टू है 11, तो 11 का फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू 16 माइनस 11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू. इसको सॉल्व कर लेंगे एक बार और तो ये हो जाएगा 16 फैक्टोरियल अपन में 11 फैक्टोरियल इंटू 16 माइनस 11 ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल. तो कॉम्बिनेशन मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था कि डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा वाला होगा उसको फैक्टोरियल करेंगे और जो बड़ा वाला होगा उतने तक फैक्टोरियल ऊपर वाले को करेंगे. तो करेंगे इसको 16C11 इज इक्वल टू 16 को 11 तक फैक्टोरियल करेंगे तो हो जाएगा 16 इंटू एक कम करेंगे तो 15 फिर 14 फिर 13 फिर 12 फिर 11 और 11 में लास्ट में फैक्टोरियल लगा लेंगे अपन में. ये 11 को ऐसे ही छोड़ देंगे, 11 फैक्टोरियल इंटू छोटा वाला ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर 5 छोटा 11 से तो इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अब यहाँ से 11 फैक्टोरियल कट जाएगा, ऊपर बचा 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 11 है 16C11 इज इक्वल टू ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यह जाएगा 524160 ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120 नीचे आ गया 120. अब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16C11 इज इक्वल टू हो जाएगा 4368. ये हो गया फाइनल आंसर कि इतने वे हैं सेलेक्ट करने के लिए 16 प्लेयर में से 11 प्लेयर को चूज करने के लिए 4368 वे है. ये हो गया आंसर फाइनल. एक और क्वेश्चन देखते हैं. बोला कि देयर आर 5 चेयर इन हाउ मेनी वे कैन अ मैन सेलेक्ट वन और मोर फ्रॉम देम. बोल रहा है कि 5 चेयर है उनमें से कितने वे है कि एक आदमी उसको एक बार सेलेक्ट करेगा या फिर एक से ज्यादा बार सेलेक्ट करेगा. यहां पर अगर एक बार दिया रहता है यानी कि R इज इक्वल टू 1 लेकर के हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते थे क्योंकि यहां पर n इज इक्वल टू 5 है. बट यहां पर क्या बोल रहा है कि एक या वन और मोर यानी कि वो एक बार में एक भी सेलेक्ट कर सकता है और एक से ज्यादा भी सेलेक्ट कर सकता है, दो भी कर सकता है, तीन भी कर सकता है, चार भी कर सकता है, पांच भी कर सकता है क्योंकि टोटल 5 है. वो उस पर डिपेंड कर रहा है तो हमें एक एक करके सबका निकालना पड़ेगा इसमें. यानी कि इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. टोटल नंबर ऑफ चेयर इज इक्वल टू 5 है यानी कि एन इज इक्वल टू यहां पर 5 दिया है बट आर इज इक्वल टू क्या दिया है, वो कांस्टेंट नहीं दिया है. वो बोल रहा है कि वो एक भी चूज कर सकता है और एक से ज्यादा भी कर सकता है. यानी कि कितने वे में उसको सेलेक्ट कर सकता है वो लिख लेते हैं. यानी कि अ मैन सेलेक्ट बी चेयर इन
फॉलोइंग वे, जैसे फर्स्ट वे है कि इफ सेलेक्ट वन चेयर देन नंबर ऑफ वे, अगर एक चेयर सेलेक्ट करता है तो उस मतलब कि यहां पर r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो टोटल कितना वे हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल नंबर n इज इक्वल टू 5 है, 5c1 हो जाएगा, और अगर एक कर रहा है तो ये हो जाएगा, दो करेगा तो क्या हो जाएगा 5c2, तीन करेगा तो 5c3, वैसे ही कितना टोटल 5 वे होगा इसका, तो लिख लेते हैं इफ इफ सेलेक्ट टू चेयर देन नंबर ऑफ वे, ये हो जाएगा 5c2, वैसे ही सेम लिख लेते हैं इसका, अगर तीन किया तो 5c3, यानी कि यहां पर थर्ड में क्या हो जाएगा 5c3 हो जाएगा, फिर फोर्थ में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5c4, और फिफ्थ में क्या हो जाएगा लास्ट फाइनल 5c5, क्योंकि पांच ही चेयर है इसलिए पांच बार भी एक बार में पांचों को भी उठा सकता है, यानी कि ये टोटल पांचवे हो गया। तो अब इसका टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज कि कितना वे होगा, तो सबको ऐड करना पड़ेगा, एक बार ये होगा, एक बार ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी कि पांच, यानी कि टोटल कितना हो सकता है 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5, इतना वे हो सकता है टोटल। अब एक एक का इनका कॉम्बिनेशन हमें निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं, जैसे 5c1 का कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल अपन में r फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस सेम वैसे ही 5 फैक्टोरियल अपन में 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल सेम थर्ड, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपन में 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, फोर्थ हो जाएगा वैसे ही प्लस 5 फैक्टोरियल अपन में 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, एक लास्ट बचा ये, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस 5 फैक्टोरियल अपन में, ये नीचे r इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपन में ये 1 फैक्टोरियल, ये 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा इंटू, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल प्लस ऊपर 5 फैक्टोरियल अपन में नीचे, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपन में 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपन में 4 फैक्टोरियल ये, और 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल पांचवा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपन में 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 माइनस 5 0 होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कॉम्बिनेशन में कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल, नीचे यहाँ पर छोटा वाला वर्ड एक है यानी कि इसको फैक्टोरियल करेंगे और इसको उतनी बार फैक्टोरियल करेंगे जितना ये बड़ा वाला होगा, यानी कि 5 को 4 तक लाने के लिए कितने बार फैक्टोरियल करना पड़ेगा, दो बार, यानी कि 5 × 4 फैक्टोरियल, फिर 1 को तो फैक्टोरियल करेंगे तो 1 ही हो जाएगा इंटू 4 फैक्टोरियल, ये बचा प्लस में, फिर वहीं सेम इसको करेंगे कितने बड़े तक लाने के लिए, यानी कि 3 तक लाने के लिए 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और ये 2 को फैक्टोरियल करेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, फिर इंटू ये 3 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने देंगे, फिर सेम इसको फैक्टोरियल करेंगे तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपन में, अब यहाँ पर बड़ा वाला ये हो गया, ये छोटा हो गया, ये 5 को 3 तक फैक्टोरियल करेंगे तो हो जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और अपन में ये 3 फैक्टोरियल ऐसे ही रन देंगे, और 2 को फैक्टरलाइज करेंगे तो हो जाएगा 2 × 1, फिर अब इसको फैक्टरलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि बड़े तक करेंगे तो यहाँ पर 5 × 4 हो जाएगा प्लस 5 × 4 फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल, और छोटे वाले को फैक्टराइज करेंगे तो ये तो 1 ही है तो 1 हो जाएगा प्लस ये। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, किसी भी फैक्टोरियल में अगर 0 फैक्टोरियल होगा तो यानी कि उसका पूरा वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे।
फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पर बचा 5/1, यानी कि डायरेक्ट 5 बचा, प्लस ये यहाँ पर 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पर 2 × 2 दो कटेगा, यहाँ पर 5 × 2 बचा यानी कि 10, प्लस यहाँ पर 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पर 2 × 1 है तो 2 से ये 2 कट जाएगा यानी कि 5 × 2 यानी कि 10, प्लस यहाँ पर 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 1 है, यहाँ पर 5 है यानी कि डायरेक्ट 5 बचा, 5/1 5 होता है, और प्लस ये 1, यानी कि इन सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, 20, 25, 30 और 1 31, यानी कि टोटल आंसर हो गया इसका 31, यानी कि 31 वे है उस आदमी को वो 5 चेयर सेलेक्ट करने का। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ एन सी 17 इज इक्वल टू एन सी 23, बोल रहा है कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो इस कॉम्बिनेशन के इक्वल है, तो यहां पर एन का वैल्यू क्या होगा वो निकालते हैं। यहां पर एन सी 17 इज इक्वल टू है एन सी 23, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब एन सी आर होगा तो उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस आर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या काम करते हैं, इन दोनों में से एक कॉम्बिनेशन को इस फॉर्म में लिख लेंगे, तो मान लेते हैं इस फर्स्ट वाले को लिख लेंगे, ये हो जाएगा एन सी और ये हो जाएगा एन माइनस 17 इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिखेंगे एन सी 23। अब यहां पर एन इज इक्वल टू एन होगा तो आर इज इक्वल टू तो आर होगा, यानी कि ये वाला आर है और ये वाला 23 भी आर है, यानी कि आर इज इक्वल टू आर कर लेंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस 17 इज इक्वल टू 23, यानी कि यहां से n इज इक्वल टू निकालेंगे तो 73 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 23 प्लस 17 इज इक्वल टू हो जाएगा 40, यानी कि n इज इक्वल टू आ गया 40, ये हो गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ इन सी एन इफ एन सी 10 इज इक्वल टू एन सी 15, अगर ये इसके बराबर है तो इसका हमें वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं इसको, यानी कि हमें दिया है एन सी 10 इज इक्वल टू एन सी 15, यानी सेम इसको इस फॉर्म में रख लेंगे, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर के फॉर्म में, तो मान लेते हैं इसको फर्स्ट वाले को रख लेंगे तो ये हो जाएगा एन सी एन माइनस आर यानी कि एन माइनस 10 इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रख लेंगे एन सी 15, यानी कि यहां से ये हो जाएगा r इज इक्वल टू आर करेंगे तो हो जाएगा n माइनस 10 इज इक्वल टू 15, यानी कि यहां से n का वैल्यू निकलेंगे हो जाएगा 10 माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा तो 15, 10, 25, यानी कि n इज इक्वल टू 25 आ गया। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, 20 सी और n के जगह क्या रखेंगे 25 रखेंगे और वो वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालना था हमें 28 सी n का और n इज इक्वल टू क्या है 25 है, यानी कि 28 सी 25, इस कॉम्बिनेशन का वैल्यू हमें निकालना है तो निकालते हैं इसको फैक्टोरियल में ब्रेक करते हैं। तो फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है कॉम्बिनेशन का, ये होता है n फैक्टोरियल, n इज इक्वल टू 28 है, 28 फैक्टोरियल अपन में r फैक्टोरियल, r इज इक्वल टू 25 है इंटू n माइनस r, यानी कि 28 माइनस 25, ये फॉर्मूला होता है उस पर रख लिया, इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 28 फैक्टोरियल अपन में 25 फैक्टोरियल इंटू 28 माइनस 25 यानी कि 3 फैक्टोरियल, ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अभी मैंने जस्ट बताया था जो छोटा वाला होगा उसको फैक्टरलाइज करेंगे और बड़े वाले को इतने तक फैक्टरलाइज करेंगे, तो ये 28 को 25 तक फैक्टरलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 27 26 और 25, यानी कि हो जाएगा 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 25 फैक्टोरियल इंटू, अब छोटे वाले को फैक्टरलाइज करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, अब यहाँ पर 25 फैक्टोरियल कट गया तो यहाँ पर बचा 28 × 27 × 26 अपन में 3 × 2 28 × 27 × 26 अपन में 3 × 2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 19656 अपन में 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 3276, यानी कि 28 सी और n इज इक्वल टू क्या था 25 इज इक्वल टू का वैल्यू आ गया 3276, ये हो गया आंसर। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और इसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशन का हर एक टाइप का क्वेश्चंस बता दिया, आप इस टाइप्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं अलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम उसका वीडियो मैं लेकर के आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।